हाउ टू क्रिएट कैट एंड बटरफ्लाई मैनिपुलेशन इन फोटोशॉप। तो हमारे पास ये पिक्चर है, हम इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जाना है और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में जाएंगे। यहाँ से फिर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे पास कैट की पिक्चर है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद ये पीएनजी बन गया, तो हम इसको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ से कंट्रोल टी को प्रेस करूँगा, और कंट्रोल को प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे। यहाँ से मैं इंटर करूँगा, फिर फ्रेंड्स हमने जाना है यहाँ पे और ब्राइटनेस में जाना है। ब्राइटनेस में जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस को तेज करता हूँ। यहाँ से फिर फ्रेंड्स हमने क्या करना है, हमारे पास बटरफ्लाई की पिक्चर हम ओपन कर लेता हूँ। डिसेंट बटन में जाना है और यहाँ से बटरफ्लाई की मैं पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स है, इसको मैं ऐसे करूँगा और हमने करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको कंट्रोल टी करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से फ्रेंड्स इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद फ्रेंड्स हम ग्लो इफेक्ट ले आएंगे। फ्रेंड्स यहाँ से प्लेस इन मेनू में जाना है, ग्लो इफेक्ट लाने के बाद कंट्रोल टी करूँगा और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग मोड्स में, और मैं इसको रख देता हूँ लीनियर टॉर्च। लीनियर डॉज रखने के बाद फ्रेंड्स हमने जाना है फिल्टर में और ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर में जाना है। गॉसियन ब्लर में जाने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं रखूँगा 0.1। ओके प्रेस करना है फ्रेंड्स, फिर हम जाएंगे फिल्टर्स में, फिल्टर में जाने के बाद ब्लर गॉसियन ब्लर, तो यहाँ से इसको सेट करने के बाद मैं ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद हमने जाना है कंट्रोल, एक कॉपी और ले लेते हैं ग्लो की, कंट्रोल जे करके एक कॉपी और लेंगे ग्लो की, और कंट्रोल टी करके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो प्रेस करना है फ्रेंड्स, फिर हम जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में जाना है और कलर बैलेंस में जाना है। यहाँ से ओके प्रेस करना है फ्रेंड्स, ओके प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स फिर हम इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाना, हमने ब्राइटनेस में जाना है और इसकी ब्राइटनेस हमने रखनी है 51%, -51%, और इसको हमने रखना है कंट्रास्ट को 34%। ओके प्रेस करना है, फिर फ्रेंड्स हम नीचे वाले ग्लो में आएंगे और इसके भी हमने एडजस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्राइटनेस में। फ्रेंड्स इसको आपने रखना है 40-47, इसको रखना है आपने 23। यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि हम कैट लेयर में आएंगे और यहाँ पे हमने क्रिएट लेयर करनी है। क्रिएट लेयर करने के बाद फ्रेंड्स हमने जाना है यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि हम यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे। ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमने जाना है ब्रश टूल में। ब्रश टूल में जाने के बाद फ्रेंड्स हमने स्मूथनेस रखनी है 10% और फ्लो रखना है 1%। ये रखने के बाद फ्रेंड्स हमने ब्रश का जो साइज है वो छोटा कर लेना है। ब्रश का साइज छोटा करने के बाद हम जूम करेंगे और हम तो फ्रेंड्स यहां से हमारी वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।